हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज मैं आप लोग के साथ शेयर करने वाली हूँ आलू और काले चने की बहुत ही मज़ेदार सब्ज़ी, और खाने में तो बहुत ही टेस्टी लगती है, और इस और रेसिपी बहुत ही ज़्यादा सिंपल है। तो चलिए मज़ेदार काले चने और आलू की सब्ज़ी बनाना स्टार्ट करते हैं। तो काले चने और आलू की सब्ज़ी बनाने के लिए मैंने यहाँ काले चने लिए हैं। इसे 1 कप काला चना लिया, इसे रात भर भिगो के रख दिया था, और इसके बाद से इसके साथ में आलू लिया है। आलू और चने को बॉयल कर देंगे। तो इस तरीके से यहाँ मैंने आलू और चना को बॉयल कर दिया है, अच्छे से यहाँ बॉयल हो गया है। तो बॉयल होने के बाद में इसे इसका मसाला यानी ग्रेवी तैयार करेंगे। तो ग्रेवी तैयार करने के लिए सबसे पहले मैंने यहाँ टमाटर लिया है, इसका पेस्ट तैयार कर लेंगे। तो टमाटर का पेस्ट तो यहाँ टमाटर का पेस्ट भी अच्छे से तैयार हो गया, मैंने पीस लिया है। तो इसके बाद से इसे बनाने के लिए एक कढ़ाई में तेल गरम करेंगे। जब तेल अच्छे से गरम हो जाए तो इसमें 1 तेज़पत्ता, 2 सूखी लाल मिर्च, 1/2 चम्मच जीरा और कुछ खड़े गरम मसाले डाल देंगे, और डाल के थोड़ी सी भूनेंगे ताकि थोड़ा सा जब गोल्डन ब्राउन हो जाए तो इसमें 2 बारीक मीडियम साइज प्याज कट कर लिया है तो प्याज को डाल देंगे, और अच्छे से मिक्स करके प्याज को गोल्डन ब्राउन होने तक थोड़ा सा भूनेंगे ताकि अच्छे से प्याज भून जाए, जिससे कि ग्रेवी का टेस्ट बहुत ही ज़्यादा अच्छा आता है। और 1 से 2 मिनट भूनने के बाद इसमें 1 बड़ा चम्मच जिंजर गार्लिक का चॉप करके डाल देंगे और प्याज के साथ अच्छे से मिक्स कर देंगे। तो इस तरीके से प्याज को भूनेंगे 3 से 4 मिनट तक। तो यहाँ 3 से 4 मिनट बाद प्याज ऑलमोस्ट अच्छे से भून गया। तो इसमें हम मसाला डालेंगे। तो मसाले में मैंने यहाँ लिया है 1 चम्मच जीरा पाउडर, 1 चम्मच धनिया पाउडर, 1 चम्मच रेड चिली पाउडर, 1/2 चम्मच ब्लैक पेपर और 1 चम्मच हल्दी पाउडर। पानी डालकर पाउडर मसालों को अच्छे से मिक्स कर लेंगे, और इसके बाद से प्याज अच्छे से भून गया है तो इसमें मसाले को डाल देंगे, और मसाले को डालने के बाद अच्छे से मिक्स कर देंगे और मसाले को पकाएंगे 3 से 4 मिनट तक। तो अब मसाले को ढक देंगे और इसे लो मीडियम फ्लेम पर मसाले को अच्छे से पकने देंगे ताकि हमारे मसाले अच्छे से भून जाए। तो यहाँ इस तरीके से 3 से 4 मिनट पकाने के बाद हमारे मसाले अच्छे से भून गए हैं। तो इसमें जो हमने टमाटर का पेस्ट तैयार किया था, टमाटर के पेस्ट को अब डाल देंगे, और डालने के बाद टमाटर और प्याज को अच्छे से पकाएंगे ताकि टमाटर भी अच्छे से भून जाए और मसाले के साथ और इसमें टेस्ट के अकॉर्डिंग नमक डाल देंगे नमक डालने के बाद इसे ढक कर अच्छे से मिक्स कर पकने देंगे टमाटर और मसाले को 3 से 4 मिनट तक, और ऐसे ही करके पकाएंगे मसाले और टमाटर को। तो यहाँ 4 से 5 मिनट बाद मसाला भी ऑलमोस्ट अच्छे से टमाटर और मसाला भी अच्छे से पक गया है। अच्छे से ऐसे ही करके अपने मसाले को पका लेंगे। तो यहाँ टमाटर और मसाले ऑलमोस्ट अच्छे से पक गए हैं। तो इसके बाद से इसमें थोड़ी सी मैंने यहाँ गर्म पानी यूज किया है, और इसके बाद से पानी को डाल देंगे, और डालने के बाद अच्छे से मिक्स कर थोड़ी सी और मसालों को पकाएंगे ताकि अच्छा से मसाले भून जाए, जिससे सब्ज़ी का फ्लेवर अच्छा आए। तो इस तरीके से यहाँ हमारा मसाला अच्छे से भून गया है। तो इसमें जो हमने आलू और चना को बॉयल करके रखा है, तो यहाँ आलू को इस तरीके से मैश कर देंगे, चने और आलू को डाल देंगे, और चने और आलू को डालने के बाद अच्छे से मिक्स कर देंगे मसाले के साथ। और इसे मिक्स करने के बाद इसमें आप जितना चाहे ग्रेवी रखना चाहते उसकी अकॉर्डिंग पानी डालें। तो यहाँ मैंने 1 कप गरम पानी डाल दिया है। ग्रेवी में गरम पानी डालने से जो मसाले का टेस्ट अच्छा लगता है। तो इस तरीके से पानी डालने के बाद अच्छे से मिक्स कर देंगे, और मिक्स करने के बाद इसको ऐसे ही करके 3 से 4 मिनट तक और पकने देंगे ताकि मसाले का फ्लेवर चने और आलू के साथ अच्छा से आ जाए। तो इस तरीके से इसे आप अपने अकॉर्डिंग जितना ग्रेवी रखना चाहते उस हिसाब से पानी डालें, और इसके बाद से इसे 3 से 4 मिनट पकाने के बाद और ऑलमोस्ट सब्जी हमारा बन के रेडी हो गया है। तो इसमें 1/2 चम्मच गरम मसाला पाउडर डाल देंगे, और गरम मसाला पाउडर डालने के बाद अच्छे से मिक्स कर 1 से 2 मिनट तक और पकाएंगे ताकि जो गरम मसाला का फ्लेवर है सब्जी में अच्छे से आ जाए। तो इस तरीके से 1-2 मिनट तक गरम मसाला पाउडर डालने के पकाने के बाद बहुत ही अच्छे से हमारा सब्जी बन के रेडी हो गया है। बहुत अच्छा से ग्रेवी और
चना आलू भी अच्छे से मसालों के साथ पक गए हैं और बहुत ही अच्छा से बन के तैयार हो गया है। तो इसे अब अपने गैस को स्विच ऑफ कर देंगे और स्विच ऑफ करने के बाद इसके ऊपर से कटा हरा धनिया गार्निश कर देंगे और इस तरीके से यहाँ हमारा बहुत ही ज़्यादा मज़ेदार टेस्टी चने आलू का सब्जी बन के रेडी हो गया है, बहुत ही ज़्यादा टेस्टी। तो अब इसे आप सर्व कर खाएं, रोटी पराठे या राइस के साथ खाएं, बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगता है। बहुत ही ज़्यादा इसके काले चने के साथ आलू का कॉम्बिनेशन बहुत ही ज़्यादा अच्छा सब्जी का आता है। तो इस तरीके से यहाँ हमारा सब्जी बन के रेडी हो गया है, बहुत ही ज़्यादा परफेक्ट और सुपर टेस्टी। तो यहाँ बहुत ही ज़्यादा सुपर टेस्टी हमारा आलू और चना मसाला सब्जी बन के रेडी हो गया है। तो आप लोग भी एक बार इस सिंपल और देसी स्टाइल में चने आलू का सब्जी बनाना इस रेसिपी के साथ, बहुत ही सिंपल रेसिपी, इस रेसिपी के साथ बनाना ज़रूर ट्राई करें। और आज की रेसिपी के वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक शेयर कमेंट करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।